हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आई की अभिषेक। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज आई की अभिषेक में। और फ्रेंड, जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आप सभी को दिख रहा होगा, मैं आज एसएससी जेई 2019 में जो आज आखिरी पेपर हुआ है उसके बाद कट ऑफ को लेकर आपके सामने आया हूँ। और कट ऑफ में आपको बताऊंगा कि सिविल की, इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की कितनी कट ऑफ जाने वाली है। कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यहां पर 2018 की एसएससी जेई की जो है कट ऑफ है। आप लोग को पता होगा एसएससी जो है एक साल पीछे चल रहा है, यानी 2019 में वो 2018 का पेपर कराता है और 2020 में 2019 का पेपर कराता है। तो उसी में आप लोग देख सकते हैं 2018 यानी ये पेपर 2019 में हुआ था, इसकी कट ऑफ आपके सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं सिविल की जो कट ऑफ गई थी वो 107 के आसपास, एससी की कट ऑफ गई थी, एसटी की 107 और ओबीसी की लगभग 123 मान सकते हैं, ईडब्ल्यूएस की 118, यूआर की 127। तो यहां पे देख सकते हैं आपका फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट अवेलेबल भी आप देख सकते हैं कितने जो है कैंडिडेट इसके अंदर अवेलेबल थे। तो टोटल आप देख सकते हैं यहां पे सिविल में 8,681 जो कैंडिडेट थे, यहां पर टोटल जो सारी अगर कहेंगे कैटेगरी वाइज जो स्टूडेंट थे यहां पर बुलाए गए थे डीवी के लिए। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं नीचे, बाकी आप लोग यहां देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की भी नीचे कट ऑफ लिखी हुई है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की सबसे ज्यादा कट ऑफ आज तक की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जा चुकी है 152.16, यानी आप देख सकते हैं कि पिछली बार जो इससे पहले वाला जो रहा 17 वाला था उसमें 136 के आसपास थी, 136 पॉइंट समथिंग जो थी मैकेनिकल की कट ऑफ थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना ज्यादा, लगभग 15-16 नंबर का एकदम आप देख सकते हैं जंप आया यहां पर। तो कट ऑफ काफी ज्यादा रेज हुई थी, इसका मेन वजह रहता है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से लड़कों के काफी ज्यादा मार्क्स इंक्रीज हुए, लगभग 30 के आसपास भी कुछ के 35 नंबर तक यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन से जो है मार्क्स इंक्रीज हुए थे। तो यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कट ऑफ लगभग कितनी रही थी। तो एससी की आप देख सकते हैं 133, एसटी की देख सकते हैं 125 के आसपास मान लीजिए, ओबीसी की 150 मान लीजिए, ईडब्ल्यूएस की भी लगभग 147.47 है, यूआर की देख सकते हैं 152.16, यानी करीब करीब 152 से थोड़ा सा ऊपर। यहां पर देख सकते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने बुलाए गए थे, टोटल 1919 कैंडिडेट इन्होंने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों को कंबाइंड रूप से यहां पे बुलाए थे डीवी के लिए। और अभी अभी आप लोग को पता होगा इन लोग का डीवी भी कुछ दिन पहले कंप्लीट हुआ है और 30 नवंबर का फाइनल रिजल्ट इन लोग का आने वाला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2018 की कट ऑफ में भी एकदम जंप आया था, पहले सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कट ऑफ थोड़ी कम जाती थी। आप लोग को पता होगा एसएससी में वैकेंसीज कम हो गई हैं और इस बार तो आपने देखा ही होगा मैकेनिकल के अंदर तो बिल्कुल ना के बराबर वैकेंसी आई हैं, सिर्फ कुछ ही डिपार्टमेंट है जिसमें थोड़ी बहुत सीटें आई हैं, 40-45 के आसपास जो आपका सीपीडब्ल्यूडी है जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों एलिजिबल रहते हैं उसमें ही बस आपकी सीट्स हैं, बाकी बीआरओ में कुछ सीट्स आई हुई हैं। और सिविल की भी इस बार काफी सीट्स में कमी करी गई है, सिविल्स की लास्ट ईयर जो सीट थी वो काफी ज्यादा थी, वो 1500 के आसपास थी, इस बार काफी कम सीटें कर दी गई हैं। तो डिटेल में हम लोग देखते हैं, 2020 की कट ऑफ पेपर हो चुके हैं, सारी शिफ्ट के पेपर अलग अलग एनालिसिस हो चुके हैं, अब देखते हैं हम लोग 2020 की कट ऑफ लगभग कितनी जाने वाली है। तो यहां पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की जो कट ऑफ जाने वाली है आप लोग के सामने स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो यहां आप लोग देख रहे होंगे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में जो आपकी एससी की कट ऑफ है 133 से लेकर 136 के बीच में जाने की चांसेस पूरे हैं, एसटी का देख सकते हैं 126 से लेकर 130 के बीच में, ओबीसी का देख सकते हैं 150 से लेकर 153, ईडब्ल्यूएस का देख सकते हैं 148 से लेकर 150 और यूआर का देख सकते हैं 153 से लेकर 156। अब यहां पर डिपेंड करता है, आप लोग देखिए पिछली बार 152 जो कट ऑफ गई थी वो यूआर की गई थी, तो मैंने इस बार 153 से 156 क्यों रखी है, इसकी मेन वजह यहां पर रखने की मेन वजह यह है कि पहले जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की कंबाइंड सीट थी वो ज्यादा थी, इस बार जो कंबाइंड सीट है वो पहले से भी कम है, लगभग आधी समझ लीजिए। पहले जो थी सीपीडब्ल्यूडी में केवल 191 सीट आई थी आपकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की कंबाइंड, लेकिन इस बार तो बहुत ही कम सीटें आई हैं, अप्रोक्स लगभग 40 भी नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसी मारे जो कट ऑफ है वो जंप करेगी, लेकिन कट ऑफ ज्यादा जंप नहीं करेगी क्योंकि इससे ऊपर जो मार्क्स होते हैं वो ज्यादा कैंडिडेट के नहीं आते, जो मेन मार्क्स का जो उसमें रहेगा 150 से लेकर 160 के बीच में काफी सारे कैंडिडेट को आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो है स्कोर करेंगे यहां पर। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जब स्कोर होगा तो जो कट ऑफ जो होगी वो 153 से लेकर 156 के बीच में कहीं भी वेरी कर सकती है। और ईडब्ल्यूएस की आप लोग देख सकते हैं पिछली बार 147 के आसपास गई थी जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, तो इस बार भी लगभग एक दो मार्क्स ऊपर नीचे ही रहेगा, ज्यादा ईडब्ल्यूएस में फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी देख सकते हैं ओबीसी की भी लगभग 150 से 153 के आसपास ही यहां पर रहने वाली है। देखिए डिपेंड करता है यहां पर कट ऑफ रेज होने का, तो कट ऑफ ज्यादा रेज पहली बार से नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी जो पिछली बार की कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा है और इतना स्कोर करना कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है इस बार आप लोग को पता होगा थोड़े से कैंडिडेट जो है वो कम अपियर हुए हैं। तो कट ऑफ
स्टॉक में ज्यादा आपको इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा, एक से दो या तीन नंबर का ज्यादा से ज्यादा आपको इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर आपके मार्क्स जो है इसके बीच में लाई करते हैं, यदि आपके मार्क्स 140 के आसपास भी आते हैं आप, और तो आप जरूर इसकी मेंस की जरूर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एसएससी बिल्कुल समय नहीं देता। लास्ट ईयर भी जब एसएससी का पेपर हुआ था तो सिर्फ 13 या 14 दिन के पहले ही उसने एसएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया था, और फिर स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था, और फिर जो है पेपर उन्होंने करा दिया था। अब देखते हैं आगे, हमारा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का दोनों को खत्म हो चुका है। और एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के इस बार जो पेपर आए हैं वो ज्यादा, मतलब जैसे कि मैकेनिकल का पिछली बार एक 25 जो 25 सितंबर को पेपर था वो काफी हार्ड आया था, लेकिन इस बार मैकेनिकल के अंदर ज्यादा हार्ड पेपर नहीं पूछा गया है टेक्निकल के अंदर, और साथ साथ इलेक्ट्रिकल के अंदर भी ज्यादा टेक्निकल का हार्ड पेपर इस बार नहीं पूछा गया है। मोस्टली सारी शिफ्ट में जो है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रीजनिंग में इंक्रीमेंट करके देखा दिया गया है, थोड़ी सी ज्यादा अच्छी करके इस बार पूछी गई है, बाकी टेक्निकल ज्यादा टफ नहीं पूछा गया है। तो इसलिए ज्यादा आपको लिए डिपेंड नहीं करेगा, और नॉर्मलाइजेशन से कितने मार्क्स पड़ेंगे वो तो डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पे कि आपके किस शिफ्ट में पेपर हुआ है। अब आगे देखते हैं हम लोग सिविल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे आप लोग सिविल इंजीनियरिंग की देख सकते हैं, यहाँ पर सिविल में भी लगभग 2 से 3 नंबर का ही इंक्रीमेंट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा सिविल इंजीनियरिंग में भी आप लोग को नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं यूआर की 125 से 130, ईडब्ल्यूएस की 118 से 120, ओबीसी की 120 से 125, एसटी की यहाँ देख सकते हैं 104 से 106, और एससी की 105 से 108। तो ये सिविल इंजीनियरिंग की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि इतनी कट ऑफ जो है इंजीनियरिंग में जा सकती है। इससे हो सकता है कि आपका 1-2 मार्क्स नीचे भी, और इससे हो सकता है आपका 1-2 मार्क्स ऊपर भी हो, 1-2 मार्क्स ऊपर हेर फेर होगा, लेकिन इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है आपकी कम है, तो उसी हिसाब से आपका जो रहता है कैंडिडेट के मार्क्स पे भी डिपेंड करता है। और इस बार सुनने में आ रहा है कि सिविल का जो फाइनल जो आज पेपर हुआ है 30 तारीख को वो काफी ज्यादा टफ आया है, तो इसलिए कुछ जो टफ आया है तो वो टेंशन लेने की बात नहीं, उनके मार्क्स में इंक्रीमेंट अच्छा हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन से उन्हें जरूर फायदा मिलेगा। 30 नंबर तक भी बढ़े हैं, कई कई के 32 नंबर तक बढ़े हैं, तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका इजी भी आया तो भी आपको घबराने वाली बात नहीं है, अच्छा स्कोर करिए आपका हो जाएगा, और टफ आया तो भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थी फ्रेंड्स मेरी पूरी वीडियो, जिसमें मैंने आपको सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के बारे में एक्सेप्टेड कट ऑफ बताई कि कितनी कट ऑफ लगभग जा सकती है। अब जब आपकी आंसर की आएगी तो आप इस मार्क्स अपना देखिएगा, अगर आपके मार्क्स जो है इसके आसपास कहीं आते हुए नजर आ रहे हैं और आपका हार्ड था इससे थोड़े कम भी रहते हैं 15-20 मार्क्स, तो भी आप प्रिपरेशन जरूर रखें आगे, नहीं तो जो आगे नेक्स्ट आ रहा है आपका एग्जाम जो मार्च में आएगा आप उसमें भी आपकी प्रिपरेशन काम आएगी, तो प्रिपरेशन को ना रखें और इसकी जो आपके मेंस की प्रिपरेशन है इसे जरूर अपने पास जरूर करते रहें। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।